हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस्लाम टुडे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेनोवो ये 6000 मोबाइल को जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गया या फिर उसका पैटर्न लाके, तो उसको हम सॉफ्टवेयर अपडेट करके यानी कि मोबाइल को फ्लैश करके किस तरह से उसको ठीक किया जाता है, उसको किस तरह से हम फ्लैश करते हैं, वो प्रोसेस में आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको इसकी फ्लैश फाइल की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो फ्लैश फाइल क्या होता है, वो एक रोम होता है दोस्तों, जो कि मोबाइल का एक सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट करने के लिए हमें फ्लैश फाइल होना ज़रूरी होती है। तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए आप गूगल से जा सकते हैं, या फिर मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जिसके थ्रू आप फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ भी आप देख सकते हो firmwarefile.com। तो ये रहा firmwarefile.com, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर किया तो वेबसाइट जो है यहाँ आ गया आपके सामने, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसमें बहुत हर किसी मोबाइल का जो है आपको फ्लैश फाइल इजी से मिल जाएगी। मैक्सिमम 80% जो फ्लैश फाइल्स होती है इस वेबसाइट में आपको फ्री से डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा दोस्तों। और अभी देखिए लेनोवो, अब इसमें ढूंढने मुश्किल हो जाएगी, तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे ये 6000। तो लेनोवो ये 6000 मोबाइल का हमने सर्च किया, तो देखिए यहाँ लेनोवो ये 6000, ये लेनोवो ये 6000 प्लस, ये 6000। तो ये 6000 प्लस और ये 6000 में कुछ फर्क ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो हमें चाहिए ये 6000। तो लेनोवो ये 6000 का जो फर्मवेयर फाइल है इसमें आते हैं हम, और यहाँ देखिए दोस्तों बहुत सारे वर्जन्स दिए गए, तीन तरह के फाइल्स जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी एक फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेनोवो ये 6000 देखिए वर्जन्स है, 1GB की है सारे फाइल्स। तो देखिए 223301230, तो जो भी फाइल है आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक फाइल आप डाउनलोड कर ले, यहाँ क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो नया लिंक ओपन होगा ब्राउजर में। तो देखिए ये 1.18GB की फाइल है दोस्तों, तो डाउनलोड कर लेना है इस फाइल को। डाउनलोड कर लेने के बाद, शायद मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं बता देता हूँ इसको आपको। तो ये रही लेनोवो ये 6000 की फाइल जो है मेरे पास ऑलरेडी है दोस्तों। तो डाउनलोड जो है आप यहाँ से इजीली इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप गूगल क्रोम से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। गूगल पे जाइए, डाउनलोड लेनोवो ये 6000 फ्लैश फाइल, तो ऐसे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है वेबसाइट ऐसे आ जाएंगे जिसके थ्रू आप जो है डाउनलोड कर सकें। तो देखिए फर्मवेयर फाइल जो है यहाँ देखिए एंड्रॉयड MTK है, तो यहाँ भी देखिए आपको वही जो फाइल है यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फर्मवेयर फाइल जो है फ्लैश फाइल्स प्रोवाइड करती है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, हो गया। और चलिए अभी देखते हैं हम आगे के प्रोसेस को। तो लेनोवो ये 6000 फाइल जब आप डाउनलोड करते तो वो एक रार फाइल में होगी और आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है एक फोल्डर आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें कुछ फोल्डर्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ड्राइवर्स में जाना है। तो कोई भी मोबाइल फ्लैश करना है आपको तो उस मोबाइल के ड्राइवर जो है आपके कंप्यूटर में होनी ज़रूरी है दोस्तों। अगर ड्राइवर नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो है कनेक्ट नहीं होगा और उसको फ्लैश करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले आप इसको ड्राइवर को सेटअप कर लें। तो ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल कर ले पहले, सबसे पहले ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मैंने, और उसके बाद
यहाँ देख सकते हैं डाउनलोडर लेनोवो। तो क्यूकॉम लोडर ये असली फ्लैशिंग का टूल है दोस्तों। फ्लैश फाइल में जो है हमें फ्लैश की फाइल मिलती है और एक टूल मिलता है। इस टूल की मदद से हम फ्लैश फाइल को इसमें लाएंगे और हमारे मोबाइल को जो है हम आसानी से फ्लैश करेंगे। तो टूल को जो है हम ओपन कर लेते हैं। करने के बाद तो देखिए ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया हमने और यहाँ है डाउनलोडर लेना वो, यानी कि फ्लैश टूल कहते हैं हम इसे। और यह है फर्मवेयर, यह है फ्लैश फाइल, इसमें है फ्लैश फाइल। ठीक है, तो कर लिया इसको। तो यहाँ देखिए डाउनलोडर जो है ओपन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस फ्लैश फाइल को इसमें लेके आएंगे। किस तरह से लाएंगे, यहाँ देख सकते हैं आप ये सेटिंग का ऑप्शन जो बड़ा लोड का ऑप्शन है यहाँ, तो इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद वो जो हमने डाउनलोड किया है फ्लैश फाइल लेनोवो ये 6000 की, तो उस पाथ पे जाएंगे हम। तो ये इंटरनल हार्ड डिस्क में रहा मेरा, और फ्लैश फाइल्स में जाते हैं और फिर यहाँ से तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है शायद लोडर का प्रॉब्लम की वजह से। तो क्लोज करके मैं दोबारा ओपन करता हूं इसको। अगर ये जो लोडर है दोस्तों, अगर आपका पुराना वर्शन है तब भी कभी कभार जो है ऐसा एंड हो जाता, ये इस तरह से ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम फिर से दोबारा करता हूँ, मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ इस पर। तो ओपन हो गया और मैं इस पे जाऊँगा, लोड पे जाऊँगा और जहाँ भी मैंने फ्लैश फाइल को रखी है वहाँ से फ्लैश फाइल को निकालूँगा। तो यहाँ लेना वो ये 6000, तो आपके कंप्यूटर में जहाँ सेव करके रखी है आपने फ्लैश फाइल, तो वहाँ से इसको उठा लेना है दोस्तों। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है, हम जब फ्लैश करते हैं तो कभी कभार जो है जब भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते वक्त ये देखिए कि कोई एरर्स जो है ना आए, एक्सट्रैक्ट जो है पूरी तरह क्लीन से हो जाए। अगर कोई एरर एक्सट्रैक्ट करते वक्त आपको आता है, इसका मतलब कि फ्लैश फाइल जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से डाउनलोड नहीं हुई है और आपको नई कॉपी जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, नहीं तो मोबाइल जो है आधी फ्लैश में रुक जाएगा और डेड हो जाएगा। फिर से उसको हार्ड ब्रेक यानी कि उसको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ता है उसको, अगर मोबाइल डेड हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों इस पे इस बात पे आ गया मैं और फर्मवेयर है इधर, तो फर्मवेयर में जाते हैं, ओके करते हैं। तो लोड पे आते हैं, फिर जहां हमने रखा है फाइल उस फाइल पे जाते हैं और ओके करते हैं। करने के बाद जो है अभी क्या करना है, आपके मोबाइल को ऑफ करना है। अगर ऑलरेडी वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से डेड है तो कोई बात नहीं है, ऑफ करके बैटरी निकालें। याद रखें कि बैटरी का जो चार्जिंग स्टेटस है वो 40% रहे या 40 के ऊपर से रहे। अगर उससे नीचे है तो बैटरी जो है फ्लैश करते वक्त अगर डेड हो जाती है तो फ्लैशिंग जो है प्रोसेस आधे में रुक जाएगा और आपका मोबाइल जो है डेड होने का चांसेस है। तो आप फ्लैशिंग करते वक्त अपने मोबाइल को 40% से ज़्यादा चार्ज करके रखें। ठीक है, तो इसमें कर लिया। अभी अपने मोबाइल को क्या करना है, अपने मोबाइल के वॉल्यूम बटन को जो है ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों को पकड़े रखकर, दोनों बटन्स को एक साथ पकड़े रखकर यूएसबी पोर्ट जो है यूएसबी केबल को कंप्यूटर के कनेक्ट करके आपके मोबाइल को लगाना है। जैसे ही आप लगाएंगे
वो यहाँ देखिए वो इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ अपने ड्राइवर्स को जो है ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखे है तो कनेक्ट हो जाएगा आपको मोबाइल। कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ब्लू कलर में प्रोग्रेस की जगह स्टेटस की जगह ब्लू कलर का आइकन जैसा नज़र आएगा ब्लू कलर में, तो फ्लैशिंग प्रोसेस आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ये फिनिश बोल के होगा तो पास बोल के इधर लिखा हुआ नज़र आएगा दोस्तों। तो ऐसे करने से जो है आपका मोबाइल पूरी तरह से फ्लैश हो जाता है। तो फ्लैश करने से थोड़े बहुत दिक्कतें भी आती है, लेनोवो मोबाइल्स में नहीं वो बाकी सारे मोबाइल्स में भी जो है दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि इसके IMEI नंबर जो है इरेज हो जाते हैं। तो IMEI नंबर इरेज हो जाने पर उसको फिर से रीराइट करने के लिए मोबाइल को जो है हमें रूट करना पड़ता है। रूट करने के बाद IMEI नंबर राइट करने के लिए उसके लिए एप्लीकेशन ढूंढना पड़ता है। एप्लीकेशन ढूंढने के बाद उससे उसके ज़रिए से हमें IMEI नंबर राइट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको है जो है इसी में मिल जाते हैं IMEI नंबर को राइट करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है आपको फ्लैश फाइल्स में ही ये फ्लैश फाइल जब डाउनलोड करते हैं उसी के साथ जो है IMEI नंबर राइट करने के लिए भी एक टूल मिलता है, लेकिन वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है। उसके अलग तरीके होते हैं IMEI नंबर किस तरह से राइट करते आने वाले फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर वीडियो को लेकर कोई डाउट या सुझाव है तो प्लीज़ उसको मेंशन कीजिएगा वीडियो के नीचे, और मुझे बताइएगा कि कभी आपने किसी मोबाइल को फ्लैश किया है, या फिर अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो कौन से मोबाइल फ्लैशिंग के बारे में आपको मैं बताऊं उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारी चैनल इस्लाम टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह के वीडियो जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।